हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान एवी। आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, जिसका डिजाइन काफी अच्छा दिखने में लगता है और इसका रेंज भी काफी अच्छा और इसमें काफी अच्छी टॉप स्पीड भी इसमें दी गई है और इसका प्राइस भी काफी कम रखा गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है दोस्तों चलो 1000 V2 इलेक्ट्रिक स्कूटर। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर गोइन कंपनी की तरफ से आती है दोस्तों। इसमें आपको टोटल दो वेरिएंट मिल जाते हैं, पहला है चलो 1000 और चलो 1000 V2 इलेक्ट्रिक स्कूटर। इन दोनों में आपको रेंज, टॉप स्पीड और बैटरी और मोटर का इसमें फर्क आपको मिल जाता है। आज मैं इस वीडियो में जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, इसका नाम है चलो 1000 V2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। इसकी डिजाइन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका डिजाइन काफी अच्छा और बेहतर इसका बनाया गया है। इसके आगे साइड में डबल लाइट जो कि LED प्रोजेक्ट हेडलाइट लगाया गया, सेम रिवर इंडी की तरह ही सेम इलेक्ट्रिक स्कूटर का हेडलाइट इसका लगता है और पीछे साइड में LED टेल लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर लगाए गए हैं जो कि सेम किसी बाइक की तरह ही इसका भी दिखने में लगता है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के आगे साइड में टेलीस्कोपिक फ्रोगी सस्पेंशन लगाया गया और पीछे साइड में मोनोसोक सस्पेंशन लगाया गया जो कि काफ़ी अच्छा बेहतर इसमें सस्पेंशन लगाया गया। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आगे साइड में एलोविल के साथ में 12 इंच ट्यूबलेस टायर लगाए गए और इसके पीछे साइड में भी एलोविल के साथ में 12 इंच ट्यूबलेस टायर लगाए गए। इसके पीछे साइड के एलोविल में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का BLDC हब मोटर फिट किया गया है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के रेंज की बात करें तो इसमें आपको 110 किलोमीटर IDC रेंज मिल जाती है और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड चल सकती है। और इसमें 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, इको, स्पोर्ट और हाइपर मोड इसमें दिए गए हैं। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2.2 किलोवाट की लिथियम आयन का बैटरी लगाया गया जो कि डुअल बैटरी पैक लगाया गया है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के पीछे साइड के पहिए में 3 किलोवाट के BLDC हब मोटर फिट किया गया और इसको स्कूटर की बैटरी को 0 से 100% फुल चार्ज करने में आपको मात्र 4.5 घंटे का समय लगता है। और इसकी कंसोल की बात करें तो इसमें आपको डिजिटल कंसोल दिया गया जिसमें ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, बैटरी परसेंट, बैटरी चार्जिंग टाइम, रेंज और राइडिंग मोड शो करती है। और इसके साथ में कुछ फीचर्स भी ऐड किए गए जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स मोड, स्मार्ट की के साथ में मोबाइल कनेक्टिविटी, म्यूजिक और USB चार्जिंग पोर्ट के साथ में और भी कई तरह के इसमें फीचर्स ऐड किए गए हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिजाइन काफी अच्छा और बेहतर दिखने में लगता है दोस्तों, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो हेडलाइट लगाया गया जो काफी अच्छा दिखने में लगता है। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 3 साल मोटर और 3 साल बैटरी की इसमें वारंटी मिल जाती है और 1 साल की आपको इसमें चार्जर की वारंटी कंपनी की तरफ से मिल जाती है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइसिंग की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की शुरुआती कीमत मात्र 1,05,000 रुपये रखी है और इसमें RTO चार्ज आपको अलग से लग जाता है। अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक करवाना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को आप आसानी से बुक करवा सकते हैं और इसके साथ में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में और भी कई तरह का उस पर इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और दोस्तों कमेंट करना ना भूले। जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।